तो ये है कि क्या इन परिवारों के जो वारिस हैं वो अपनी विरासत को संभालने में सक्षम है या नहीं। ये चारों मुख्यमंत्रियों की जो विरासत है उस विरासत का वारिस बनने में कौन सक्षम होगा और कौन वारिस होगा ये चुनाव ये भी तय करेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र दत्त और आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश टीवी। दोस्तों एक बार फिर से हम चुनावी चर्चा में आपके समक्ष मौजूद हैं सतीश मेहरा जी के साथ। और सतीश मेहरा जी जो राजनीति के बहुत अच्छे जानकार हैं उनसे बात करते हैं कि हरियाणा में जो राजनीति समीकरण है वो किस तरह से बन रहे हैं। आइए बात करते हैं सतीश मेहरा जी से। मेहरा साहब सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद राजेंद्र जी। मेहरा साहब इस समय जो विधानसभा चुनाव है उसकी तैयारी चल रही है, जो हरियाणा की राजनीति है उनमें चौधरियों का अगर कहें तो बड़ा बोलबाला रहा है, जाट जो सीएम रहे हैं अब तक हरियाणा की राजनीति में। हम आज बात करेंगे जो पिछले चार या पांच सीएम रहे हैं उनके जो परिवार हैं, उनके जो वारिस हैं, उनके जो वंशज हैं वो अपनी विरासत को संभालने में कितने सक्षम हैं, कितने, क्योंकि आज देखा जाए तो उनके वारिसों के दरमियान एक कड़ा मुकाबला है और कई ऐसे परिवार हैं जो आपस में एक दूसरे के सामने ही चुनाव लड़ रहे हैं। तो आज का जो चर्चा का विषय है तो ये है कि क्या इन परिवारों के जो वारिस हैं वो अपनी विरासत को संभालने में सक्षम है या नहीं है। तो सबसे पहले तो मैं बात करूंगा कि क्या आपको लगता है कि जो इन परिवारों में से कोई मुख्यमंत्री पद का दावेदार है। आप जानते हैं, आप समझते हैं कि अगर बात करें चौधरी देवीलाल, चौधरी बंसीलाल, चौधरी भजनलाल या राव वीरेंद्र सिंह की, ये चार जो पिछले मुख्यमंत्री रहे हैं इनके परिवार इस समय मैदान में है सब, तो आपको क्या लगता है कि इनके परिवारों में से कोई मुख्यमंत्री पद का दावेदार है, कोई मजबूत दावेदार अगर है तो। देखिए अगर मुख्यमंत्री बनना नहीं बनना वो तो बाद की बात है, वो तो पार्टियां जो है वो पार्टियां हाईकमान की बात रहेगी। तो इनमें से मुख्यमंत्री पद की कुर्सी के नजदीक कौन है? देखिए जहां तक इस विधानसभा चुनाव की बात है, इस विधानसभा चुनाव में जो हरियाणा के मुख्यमंत्री पहले मुख्यमंत्री रहे हैं पूर्व में चौधरी बंसीलाल जी रहे हैं, चौधरी देवीलाल रहे हैं, चौधरी भजनलाल रहे हैं और रावीरेंद्र रहे हैं जो हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री रहे हैं। तो इन चारों जो पूर्व मुख्यमंत्री उनके जो परिवार हैं इस चुनाव मैदान में हैं जी। और एक इनमें एक विरासत की जंग इस मैदान में देखने को मिल रही है कि चारों मुख्यमंत्रियों की जो विरासत है उस विरासत का वारिस बनने में कौन सक्षम होगा और कौन वारिस होगा ये चुनाव ये भी तय करेगा जी। बिल्कुल, जिस भी जो भी कैंडिडेट, जो भी उम्मीदवार इन मुख्यमंत्रियों का जो भी परिवार है वो चुनाव लड़ रहा है, जो भी चुनाव अच्छे मार्जिन से जीतेगा वो मुझे लगता है उस विरासत को आगे बढ़ाने में सक्षम होगा। जहां तक चौधरी बंसीलाल की विरासत की बात करें, वहां पे चौधरी बंसीलाल के जो पोते हैं, उनके बेटे, बड़े बेटे के जो चौधरी बंसीलाल के बड़े बेटे हैं, उनके जो बेटे हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं, अनिरुद्ध जी। और दूसरी ओर चौधरी बंसीलाल की पौत्री है जो श्रुति चौधरी, वो भारतीय जनता पार्टी से चुनाव मैदान में। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब तो शाम से दोनों जो भाई बहन है, चाचा और ताऊ के हैं दोनों, रणबीर महेंद्रा के पुत्र हैं अनिरुद्ध हैं और सुरेंद्र सिंह के जो पुत्री हैं श्रुति चौधरी हैं, दोनों में चुनावी जंग है। तो बात यहां तक देखने वाली ये होगी, हालांकि अनिरुद्ध पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं और श्रुति चौधरी पहले एमपी रह चुकी हैं, तो शाम में कौन जीत दर्ज करता है, जो भी तो शाम से जीत के आएगा, चाहे श्रुति जीत के आए चाहे अनिरुद्ध जीत के आए। आगे आने वाले समय में मुझे लगता है चौधरी बंसीलाल की जो लेगेसी है, जो विरासत है, तो उसके बढ़ाने में वही कामयाब होगा जो इस तोशाम सीट से जीत के आएगा। दूसरी ओर हम बात करते हैं चौधरी देवीलाल परिवार की जी। देवीलाल परिवार से अलग अलग पार्टियों में आज मैं कहूं तो 8 उम्मीदवार चुनाव मैदान में है और ये एक रिकॉर्ड है किसी एक राजनीतिक परिवार से अगर कोई ज्यादा अगर हम संख्या में बात करें
तो चौधरी देवीलाल परिवार से सबसे ज्यादा उम्मीदवार मैदान में। बिल्कुल ठीक है। और चौधरी देवीलाल परिवार का जैसे आपको पता चौटाला से संबंध रहा है, चौटाला गांव से है। चौटाला गांव को वैसे भी एक राजनीति की एक यूनिवर्सिटी में माना जाता है, क्योंकि चौटाला गांव से आज तक 22 या 23 जो विधायक या एमपी चौटाला गांव से रह चुके हैं। यहाँ तक के जी दो दो मुख्यमंत्री चौटाला गांव से रहे, एक डिप्टी सीएम रहा है और स्वयं चौधरी देवीलाल उप मुख्यमंत्री उप प्रधानमंत्री रहे। हाँ, डिप्टी पीएम। तो चौटाला से अब की बार भी चौधरी देवीलाल परिवार से तो 8 उम्मीदवार है मैदान में। चौधरी देवीलाल के और नजदीक के परिवार से कहें तो 9 है, क्योंकि डॉक्टर के वी सिंह भी उन्हीं उसी परिवार से है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं 9 जो सदस्य हैं जो उम्मीदवार हैं वो विभिन्न पार्टियों से टिकट पाए हुए हैं और चुनाव मैदान में है। जैसे हम रानिया से बात करते हैं और आपस में इनका चाचा ताऊ का दादा पोता का मुकाबला है, मुकाबला बना हुआ। और हार जीत के अलावा इनमें एक होड़ लगी है कि चौधरी देवीलाल की विरासत को कौन संभालेगा। इस होड़ में उनकी विरासत को, उनकी लेगेसी को आगे बढ़ाने में कौन सक्षम होगा, इसके लिए भी उनकी लड़ाई है। मैं आपको यहाँ बीच में थोड़ा टोकना चाहूंगा, मेरे जहन में एक बात आती है तो मैं उसको आपसे शेयर करना जरूरी समझूंगा। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक परिवार जब इस तरह से बिखरा हुआ है और उस परिवार का फायदा लेने की कोशिश जो है राजनीतिक पार्टियां वो कर रही हैं या करेंगी, वो मैं शायद सही हूं अपनी जगह पे। स्वाभाविक है, देखिए जब परिवार में फूट होती है और परिवार के लोग अलग अलग पार्टियों से, राजनीतिक पार्टियों से चुनाव लड़ते हैं तो दूसरी जो मुख्य पार्टियां वो कहीं ना कहीं फायदा उठाने की कोशिश करती हैं। तो ऐसे में इन विकट परिस्थितियों में ये परिवार अपनी जो चौधरी देवीलाल की लेगेसी है उसको कैसे आगे लेकर जाएगा, ये चुनाव तय करेगा कौन जीत के विधानसभा में पहुंचेगा और विधानसभा में पहुंचने के बाद मुख्यमंत्री की कुर्सी तक कौन पहुंचेगा। इस परिवार ने सदा मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए लड़ाई लड़ी है। बिल्कुल ठीक। तो इस बार भी इनमें से जो एक मुख्य जो उम्मीदवार हैं चौधरी अभय सिंह चौटाला ने दावा किया है कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे। बिल्कुल ठीक है। अगर मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने में कहीं वो नजदीक पहुंचते हैं तो मुझे लगता है लेगेसी को सक्षम आगे बढ़ाने में चौधरी अभय सिंह चौटाला ही आगे रहेंगे। तो रानिया में जैसे रानिया एक सीट है सिरसा डिस्ट्रिक्ट में, रानिया से चौधरी रणजीत सिंह भी चुनाव लड़ रहे हैं जी। दूसरी ओर चौधरी रणजीत सिंह इंडिपेंडेंट और दूसरी ओर इनालो से लड़ रहे हैं अर्जुन चौटाला जो अभय सिंह के बेटे हैं। इन दोनों में जो दादा और पोता में जबरदस्त मुकाबला है। इलाहाबाद की हम बात करें, इलाहाबाद में चौधरी अभय सिंह चुनाव लड़ रहे हैं जी। और इसी तरह से जो फतेहाबाद में बात करें सुनैना चौटाला हैं जो इसी परिवार की बहू हैं, और उचाना से दुष्यंत चौटाला चुनाव लड़ रहे हैं, और डबवाली से दो चुनाव मैदान में आमने सामने परिवार के लोग हैं, आदित्य देवीलाल चौटाला इनालो से हैं और जो दिग्विजय हैं वो जजपा पार्टी से हैं दोनों। इसके अलावा तीसरा जो कैंडिडेट है कांग्रेस पार्टी से अमित सिहाग है, वो भी इसी परिवार से आते हैं, परिवार से आसपास इनके एक ही परिवार है जी जी। तो इसी तरह से दिग्विजय चौटाला और इसके बीच आदित्य चौटाला के बीच अमित सिहाग के बीच चुनाव के रोचक मुकाबला बना हुआ है। और जो आठवां कैंडिडेट में बता रहा हूँ वो टोहाना से चुनाव लड़ रहे हैं, इनके जो नाती हैं कुणाल करण वो भी INLD से टोहाना से चुनाव मैदान में, इसलिए हम कह सकते हैं नौ लोग इस परिवार से चुनाव मैदान में हैं। और देखने वाली बात है कि लेगेसी को आगे बढ़ाने में कौन सक्षम होते हैं, कौन अच्छी जीत दर्ज करता है। चौधरी भजनलाल परिवार की हम बात करें, चौधरी भजनलाल परिवार में जो चंद्रमोहन कांग्रेस पार्टी से जो पंचकुला से चंद्रमोहन बिश्नोई है वो पहले डिप्टी सीएम भी रह चुके हैं जी। और दूसरी ओर जो कुलदीप बिश्नोई है चंद्रमोहन के भाई हैं, उनके बेटे भव्य बिश्नोई वहां आदमपुर से चुनाव लड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से। इन दोनों में से कौन अपनी जीत दर्ज कर सकता है, इनमें लड़ाई ये भी है। और जीत न केवल जीत दर्ज करना, हो सकता है दोनों जीत जाएं, हो सकता है एक जीते। अगर इस स्थिति में दोनों ही उम्मीदवार भव्य बिश्नोई और चंद्रमोहन जीतते हैं तो देखने वाली ये बात होगी कि आगे सरकार किसकी बनती है, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है
या भारतीय जनता पार्टी की सरकार? डेफिनेटली ये चीजें कांग्रेस पार्टी निर्भर करती हैं। अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है तो इसमें स्वाभाविक है चंद्रमोहन बिश्नोई इस लेगेसी को आगे बढ़ाने में कामयाब रहेंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो भव्य बिश्नोई एक उनका एक वारिस हो सकते हैं, चौधरी भजनलाल जो परिवार है, जो उनकी जो राजनीति है जी। इसके अलावा राव वीरेंद्र सिंह जो प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री रहे हैं जी, और उनकी जो पौत्री है आरती राव वो भी अटेली से चुनाव लड़ रही है, उनके पिता हैं राव इंद्रजीत हैं, गुड़गांव से अच्छा राव इंद्रजीत की जो पौत्री पुत्री है जी आरती सिंह। आरती सिंह का चुनाव इस बात पे डिपेंड करेगा आरती सिंह जीत दर्ज करती हैं या उनकी जीत में कोई किसी तरह का कोई खलल होता है। अगर आरती सिंह इस चुनाव में जीत हासिल कर सकती करती हैं तो वो राव इंद्रजीत की लेगेसी को आगे बढ़ाने में और ज्यादा सक्षम होगी और आगे तक लेके जाएंगे। बिल्कुल ठीक कहा। एक तरह से हमारे दर्शकों को एक पुराना इतिहास आपने दिखा दिया और पूरे के पूरे जब अगर मैं कहूँ हरियाणा के राजनीतिक परिवारों के बारे में आपने पूरी व्याख्या कर दी, पूरी चीजें उनको बता दी। अब हालांकि तीन जो पूर्व मुख्यमंत्रियों की बात करूं उनके वारिस जो है अलग अलग पार्टियों से लड़ रहे हैं, विरासत के असली वारिस की असली जद्दोजहद इन्हीं परिवारों में से एक है, और इनमें से विरासत को संभालने में आपको कौन सक्षम नजर आ रहा है? अगर बाकी देखो मैं बात करता हूं चौधरी देवीलाल, चौधरी भजनलाल या चौधरी बंसीलाल परिवार की बात करता हूं, तो इन तीनों परिवारों में से आपको लगता है कौन ऐसा नजर आ रहा है जो इस परिवार की लेगेसी को, इस विरासत को आगे ले जा सकता है? देखिए जो तीनों पूर्व मुख्यमंत्रियों का परिवार है, चाहे चौधरी बंसीलाल जी का परिवार हो, चाहे चौधरी देवीलाल जी का परिवार हो, चाहे चौधरी भजनलाल जी का परिवार हो, तो इनमें मुख्यमंत्री पद की लड़ाई इनमें रही है। हालांकि चौधरी सुरेंद्र सिंह की मृत्यु के बाद जो मुख्यमंत्री की लड़ाई वो कहीं कहीं चौधरी बंसीलाल परिवार से दूर जा चुका है। बिल्कुल ठीक है, दूर जा चुका है वो। आज मुख्यमंत्री पद की लड़ाई में मुझे नहीं लगता इस लड़ाई में, हालांकि किरण चौधरी कांग्रेस की एक दिग्गज नेता रही हैं, अब वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई हैं। उन्होंने वो दावा करती रही है, वो कहीं कहीं एक मुखर होती रही है सार्वजनिक मंचों पर, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद वो कहीं कहीं उनका जो एक सीनियरिटी और जूनियरिटी के हिसाब से अगर देखे जाए तो वो एमपी हैं आजकल, लेकिन राज्यसभा मेंबर हैं, लेकिन उस लेवल पे मुझे लगता है नहीं है। नहीं बिल्कुल। अगर चौधरी देवीलाल परिवार की हम बात करते हैं, चौधरी देवीलाल परिवार ने सदा ही मुख्यमंत्री पद के लिए जद्दोजहद की है, राजनीति की, मुख्यमंत्री पद के लिए राजनीति की है। चाहे हम चौधरी देवीलाल के बाद ओम प्रकाश चौटाला जी की बात करें, ओम प्रकाश जी चौटाला चाहे कोई भी इलेक्शन हो, उन्होंने दावा किया है कि चौटाला का मुख्यमंत्री बनेंगे हर बार, और इसी तरह से पीछे भी पिछली बार अभय सिंह ने भी और दुष्यंत चौटाला ने भी दावा किया। हालांकि डिप्टी सीएम रहे दुष्यंत चौटाला, अपनी जो अच्छी उन्होंने 2019 में अच्छा चुनाव लड़ा, 10 सीटें जीत के आए, वो डिप्टी सीएम बने। तो इस बार भी उनका यही रहेगा कि कहीं कहीं मुख्यमंत्री के लिए, हालांकि किसी और ने मुख्यमंत्री बनने का दावा नहीं ठोका है। अगर चौधरी अभय सिंह चौटाला की बात करें, वो कहीं कहीं मुख्यमंत्री बनने की बात कह रहे, मजबूत दावेदार नजर आ रहे हैं भी अपने मुख्यमंत्री बनने की बात कह रहे हैं, मजबूत दावेदार है या न वो तो पब्लिक तय करता है। नहीं, विरासत की बात करता हूँ, विरासत को आगे लेके जाने में इस सक्षम जो नजर आते हैं इस परिवार में से, तो ठीक है इस परिवार में। अब बात करते हैं, मैं बात करता हूँ उसके बाद राव वीरेंद्र सिंह की। राव वीरेंद्र सिंह का जो परिवार है उसके बाद उनके पुत्र जो है राव इंद्रजीत सिंह वो एमपी है गुड़गांव से, और उनकी पुत्री जो है भारती राव, हालांकि उनके सामने परिवार का कोई सदस्य नहीं है, परिवार में कहीं भी आपस में टकराव कहीं नजर नहीं आ रहा है। क्या ये जीत करके जो अपना परिवार है उसकी लेगेसी को, उसकी विरासत को आगे बढ़ा पाने में आपको सक्षम नजर आ रही है? देखिए राव इंद्रजीत की बेटी जो आरती राव है वो भारतीय जनता पार्टी के चुनाव लड़ रही है जी। हालांकि राव इंद्रजीत के भाई यादवेंद्र सिंह, उन्होंने कांग्रेस की टिकट मांगी थी, कांग्रेस की टिकट उनको नहीं मिल पाई। अगर कांग्रेस की टिकट उनको मिल पाती तो आपस में दोनों परिवारों में एक कहीं ना कहीं लेगेसी के लिए भी एक लड़ाई शुरू हो जाती। लेकिन अब आरती राव को वो खेलों में कहते हैं कि मैदान खाली हो गया उनके लिए,
तो वो पारिवारिक पारिवारिक तौर पर अगर देखा जाए तौर पर अब उनकी ये होता है कि अगर आरती राव चुनाव जीतती है तो स्वाभाविक रूप से राव इंद्रजीत की जो वारिस होंगी वो राव इंद्रजीत की सॉरी राव वीरेंद्र सिंह की जो वारिस होंगी वो राव आरती राव होगी। बिल्कुल ठीक है। तो ये जो बहुत दिग्गज परिवार रहे हैं हरियाणा के, हरियाणा की राजनीति में इनका बहुत अहम रोल रहा है। तो आज हमारे दर्शकों ने जाना कि हरियाणा की राजनीति में जो पिछले परिवार रहे हैं, जो पिछले चार मुख्यमंत्री रहे हैं, उनके परिवारों में आपसी तकरार, आपसी टक्कर और आपसी टकराव का एक माहौल जो है वो बना हुआ है। इनमें से कौन दावेदार होगा मुख्यमंत्री की कुर्सी का और कौन उसके सबसे ज्यादा नजदीक होगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। आप देखते रहिए चुनावी चर्चा में आने वाले समय की सब खबरें। आने वाली 8 तारीख को यह तय हो जाएगा कि जो ताज है हरियाणा के मुख्यमंत्री का किसके सर सजेगा, लेकिन तब तक आप देखते रहिए अर्थप्रकाश टीवी और आप हमें प्लीज लाइक शेयर और कमेंट करते रहें। अगर कहीं भी आपको लगता है कि आपका कोई सुझाव है तो आपके सुझाव का हमेशा स्वागत है, तो आप प्लीज हमें कमेंट जरूर करें। मेरा साहब आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद राजेंद्र जी, थैंक यू।